अस्सलाम वालेकुम, मैं सना चार बिलाउंच और गुड मॉर्निंग। यहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं, बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं नाश्ता। आज ब्रेड वगैरह नहीं मंगवाई थी और इतनी सी गैस आ गई, मुझे बनाना पराठा, तो देखते हैं कैसा पराठा बनता है। मैं ये बनाती हूँ बच्चों के लिए। फाइनली ना मेरे पराठे बन ही गए थोड़े थोड़े करके, ठीक है। मंगवाना याद ही नहीं रह रहा था ब्रेड वगैरह ना, तो आटा भी दो पराठों का बड़ा बता थोड़े छोटे से बन जाने थे। मैंने कहा था चलो पराठे बना दूँगी, लेकिन मुझे गैस का इशू था, गैस का पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये कि बीच में कभी तेज़ हो रही है कभी फिर आ रही है, तो मतलब नाश्ता बन गया बच्चों का, अल्लाह का शुक्र है। और साथ में नगेट्स फ्राई कर ली थी मैंने, और यहाँ जो है ना नगेट्स बन रहे हैं। और साथ में क्या कर रही हूँ कि मैं पराठों पे ना दाल लगा के इनको रोल बना दूँगी, फिर स्कूल में आज ये ले जाएंगे। गैस का बड़ा मसला चल रहा है आपको पता है। और बच्चों को बस लंच तैयार हो गया, बच्चों को उठा लेती हूँ तो रेडी करती हूँ। देखो जी मेरा बन चुका है बच्चों का ब्रेकफास्ट और लंच भी तैयार हो चुका है, ठीक है। आज मैंने पराठा बनाया जिस टिपिकल लंच बॉक्स में जाता है ना, और थोड़ा हेल्दी है, मेरा हेल्दी तो होता है क्योंकि मैं बाहर पूरी चीज़ नहीं देती, सिर्फ ब्रेड वगैरह देती। तो ये तैयार हो गया और अभी मैं बच्चों को उठाती हूँ जाके जल्दी से। बेटे को स्कूल छोड़ने गए हस्बैंड, और क्या करना है मुझे, आटा गूंदने वाला है क्योंकि जो था उसको पराठे बना दिए बच्चों को, तो अभी मैं गूंदती हूँ। अभी नहीं मिला अभी, ठीक है। अभी मैंने कहा चाय रख लेती हूँ, और रात वाली जो रोटियाँ थी ना उनको जस्ट सेक रही हूँ, तो आटा नहीं गूंद रही, वही खा लेंगे हम। फिर मैं दोपहर में आटा गूंदूंगी बच्चों के आने से पहले, तो फिर हम रोटी छोटी बनाएंगे, और दोपहर में नूडल्स खाते हैं या रोटी बनाते हैं, तो वो जो भी सीन होगा वो, और आज हमने क्या पकाना है वो भी डिसाइड करना है आज, ठीक है। मैंने ये देखे लगा लिए हैं, रोटियों को कर लिया हुआ है, यहाँ सालन बस गर्म कर रही हूँ मैं, और हमारी चाय भी बन रही है। कलर बहुत अच्छा आ जाया चाय का, और जब तक चाय को आप ना इस तरह से ना कर लो ना, तब तक चाय अच्छी बनती ही नहीं। तो दूध ज़रूर ना, दूध इस तरह की चाय बना के देखिएगा आप लोगों को, तो बहुत अच्छी लगेगी बिल्कुल। जो पठान के होटल की चाय होती है ना, उसका टेस्ट आ जाता है इसके अंदर ऐसे करने से। सो ये जो है ना छोटी सी ट्रिक होती है चाय बनाने के बाद, इसको तेज़ आंच पे आपने पकाना होता है, और कोशिश करनी होती है पास खड़े रहें और इस तरह से इसको पकाएं तेज़ आंच के ऊपर, ताकि इसका कलर भी अच्छा आ जाए। और जो है ना ये बहुत ही अमेजिंग टिप है, आप लोग तरह से चाय बनाया करें और इसको इस तरह से फेंटें भी, फिर जैसे आपने कभी अगर विज़िट किया हो चाय के होटल, या कभी गुजरे हो पास से, तो भी अगर आप देखा हो ज़िंदगी में कभी ना कभी तो चाय पी होगी ना पठान के होटल की, तो आपको अंदाज़ा होगा होटल्स की चाय इसलिए इस तरह की होती है। हाँ हमारा हो चुका है नाश्ता तैयार, देख सकते हो आप चाय हमारी एज यूजुअल, चाय के बगैर तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हो सकता। और सालन भी गर्म कर लिया है, और ये हमारे पराठे बन गए हैं। तो चले अब हम करते हैं नाश्ता, आप लोग क्या करते हैं नाश्ते में मुझे बताइएगा ज़रूर। सुबह के आज जो है ना अभी तक सुबह के बर्तन भी वॉश नहीं किए, अभी वॉश करने हैं, बेटे को स्कूल से लेकर भी आ चुकी हूँ, स्टिचिंग वगैरह करती दैट्स व्हाई जो है ना इसको बिल्कुल भी नहीं कर पाई, और खाने के लिए भी कुछ नहीं बनाया, आटा नहीं गूंदा, जल्दी से सारे काम करने हैं। बेटी भी आ जाए तकरीबन आधे घंटे का गैप हो जाता है, एक बजे तक वो ले आती हूँ उसको, तो आधा घंटा गैप मिल जाता है मुझे तैयारी करने का। तो अब मैं जल्दी से बर्तन वॉश करती हूँ, फिर मैं और काम करूँगी। मैंने क्या किया ना, जल्दी जल्दी आलू और अंडा बॉईल होने के लिए रखा है, क्योंकि मुझे कबाब बनाने हैं, कटलेट्स बनाऊँगी, और यहाँ मैंने रखे हैं बच्चों के लिए नूडल्स, और यहाँ मैंने आटा गूंदना है साथ ही, तो ये सारे काम मेरे साथ साथ हो रहे हैं। बेटी के आने का बस टाइम हो गया है, तो जैसे ही वो आएगी तो फिर सर्व करूँगी उनको खाना। और ये मेरा बेटा देखें क्या कर रहा है, ये देखें ये, तो मैं ये जल्दी से कर लेती हूँ। जो है मैंने आपको बताया था कटलेट्स बनाने, तो ये कटलेट्स का मसाला मैंने रेडी कर लिया है, ठीक है जी।
और इसमें मैंने एग भी यूज़ किया है, मैंने बॉईल किया था आपके सामने। और ये मैंने थोड़ा सा जो है ना आलू की ग्रेवी भी रेडी की है। अगर आपने देखी हो मैंने चटनी बनाई थी आलू की फॉर द वन बाइट समोसास, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है, लेकिन बस इसमें मैंने कलर ऐड नहीं किया, उसमें मैंने कलर ऐड किया था ज़रदा। तो ये मैंने बना लिए ताकि ना कबाबों के साथ जो है ये सर्व करूँ, क्योंकि बच्चों का गला ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वेकेशंस का सीन ऑन है हमारा, तो इस पर्पज़ से। ठीक है, देख सकते हो आप, ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी बनी हुई है। तो बस ये मैंने दम पे रखी हुई थी, इसको मैं कवर कर देती हूँ और इसको मैं ना रेड करके मैं साइड पे रखी हूँ। और मैं अभी क्या कर रही हूँ कि मुझे बॉयल करना है मिल्क, कि मैं वो बॉयल करती हूँ और साथ में मुझे क्या करना है बर्तन, ये वाला काम तो ख़त्म हो ही नहीं सकता ना आपका, तो मैं बर्तन वॉश कर लूँ साथ ही। और फिर जो है मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, उनको मैंने जो आज मैंने स्टिचिंग की है वो शो करनी है किस तरह की बनी है, तो उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने जो स्टिचिंग की है क्या, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। नहीं, उसके लिए अलग से मैं ना बना के पोस्ट करूँ। कौन सा बटन टूटा था, तीन बटन भी लेंगे ना। हाँ, आपके लिए ना वो बटन दे देंगे। हाँ, आपके लिए बटन भी तो लेने ना, आप चले। मेरा दूसरा भी था भूल गया। वो सही है, वो तो ठीक था आपका, बिल्कुल ठीक था। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है मम्मा। हाँ, देखते रहो। जी, और मैं क्या कर रही हूँ कि ना आटा गूंद लिया था, फिर रोटियाँ बनानी है रात की, और ये मैंने आपको पहले दिखा दिया, उसके बाद कबाब भी फ्राई करने हैं। जल्दी से बना लेती हूँ रोटियाँ मैं फटाफट। करो आप, जैसे ही मैंने रोटी डाली आँच ना, पहले तेज थी अब इतनी सी हो गई, तो अभी बस मैं जल्दी से रोटियाँ बना रही हूँ। अच्छा लगा होगा, एंड कीप सपोर्टिंग मी, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफिज़। और इस तरह सपोर्ट करते रहिए प्लीज़।